हेलो, कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग कर क्या रहे थे? मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग आई थिंक मोल वाला जो पार्ट था उसको कर लिए थे, और उसके रिगार्डिंग आई थिंक हम लोग असाइनमेंट भी दिए थे, उसके सॉल्यूशंस भी हम लोग ग्रुप में भेजे थे। तो एक पहला काम आप लोग का ये है कि आप लोग पर्सनली हमें आपका जो असाइनमेंट हम दिए थे उसका सॉल्यूशन पर्सनली हमको चाहिए, कि आप लोग सॉल्व कियो नहीं कियो इतना पता होना चाहिए ना। यदि सॉल्व नहीं कियो तो क्या प्रॉब्लम है, तो भी आप पता ना होगा कि क्या ना क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं हुआ। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, उस सब पार्ट पे अभी हम फोकस करेंगे। तो आप लोग का पहला काम ये है कि जो भी आप लोग असाइनमेंट सॉल्व कियो उसके सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप लोग आप अपना जो सॉल्यूशन है जो आप सॉल्व किए हो वो आप पर्सनली मैसेज करोगे, ताकि हम एक बार प्रॉपर चेक कर सके कि आप लोगों का क्या अप्रोच है। तो जो आप हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए थे, हम लोग भी कोशिश किए कि जो आपके बुक का अप्रोच है उसी अप्रोच का आपको सॉल्यूशन भी मिले। ओके, तो उस वाले पार्ट के बाद जैसा कि हम आप लोग बोले थे ना कि हम पहले माना पहले जो कोर्स का ओवरव्यू दिए थे उसमें पहले क्या, पहले हम मूल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट को खत्म करेंगे, देन हम लोग आएंगे गैस लॉ, देन मॉलिकुलर एंड इम्पिरिकल, एंड लास्ट वन इज स्टोकियोमेट्री। तो हम लोग आ रहे हैं आप गैस लॉ वाले पार्ट पे। तो देखो गैस लॉ, आप लोग 9th क्लास में भी गैस लॉ के बारे में पढ़े हो, गैस है ना, आप लोग पढ़े हो स्टडी ऑफ गैस, प्रॉपर्टी ऑफ गैस, आई थिंक वो सारा आप एक बार किए होंगे। तो मतलब एक बार हम जस्ट ओवरव्यू करते हैं, देन हम लोग जो इस है ना जो इस कंटेंट का ये जो जो पार्ट का मेन क्वेश्चन है उस वाले पार्ट पे भी आएंगे। तो सिंपली है ना जो गैस लॉ, जिस गैस के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप का गैस होता है, हर गैस के लिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता है ना। कुछ एक है ना एक गैस है ना हम बोलते हैं उसको आइडियल गैस, क्या बोलते हैं आइडियल गैस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना गैस लॉ, जो भी आप लोग लॉ पढ़े होते हैं ना 10th 9th क्लास में पढ़े हो और यहाँ भी हम पढ़ेंगे, वो एक स्पेसिफिक टाइप के गैस के लिए एप्लीकेबल है, हर टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो गैस लॉ है वो एप्लीकेबल है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस होता क्या है, आइडियल गैस होता क्या है कि सिंपली आप देखोगे ना कि ना कोई कंटेनर है उसमें गैस फील्ड है, एक कंटेनर में गैस फील्ड है ना, तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी फोर्स नहीं हो चाहिए। इट मीन्स फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, या हम ये बोल सकते हैं देयर इज नो फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, देयर इज नो फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ये कंडीशन है फॉर गैस टू बी आइडियल, देयर इज नो फोर्स आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। फर्स्ट ये कंडीशन है, नोट डाउन करना, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। उस केस में हम आइडियल गैस, जो गैस मेरे पास होगा उसको क्या बोलते हैं आइडियल गैस। जो सेकेंड कंडीशन है आइडियल के लिए वो है कि गैस मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है। सिंपली हम बोलते हैं ना कि सपोज मेरे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई गैस फील्ड है, उस कंटेनर में कोई गैस फील्ड है, तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, जहां तक गैस फील्ड है वो जो वॉल्यूम है वो उस गैस के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, सॉरी वो उस गैस के वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो है ना जब भी हम गैस के वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बात करते हैं, ना कि गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं। अब यदि किस है ना कुछ कुछ कंडीशंस में गैस का अपना खुद का भी वॉल्यूम होता है तो वो आइडियल गैस के है ना आइडियल गैस में काउंट नहीं होता है, वो एक अलग टाइप का गैस है, उसको बोलते हैं रियल गैस। और है ना इसको आप लोग है ना डिटेल से +1 वाले सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे, या जब हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हम लोग वहां पे करेंगे। तो आई थिंक है ना आपको इतना डीप नहीं जानना है, बट कभी कभी किसी के है ना मन में क्वेश्चन अराइज हो जाता है ना, कहीं कहीं आपको लिखा मिल गया आइडियल, तो आप ये चीज याद रखना, फॉर ए गैस टू बी आइडियल देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, एंड सेकेंड पॉइंट देर इज नो वॉल्यूम ऑफ गैस, या देर इज नो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इट मींस द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। इट मींस इन केस ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जहां पे जिस कंटेनर में उस सॉरी गैस को हम फिल्ड किए हैं वो जो उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, उस गैस का भी क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो आई थिंक आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो आइडियल गैस का क्या क्या कंडीशन है वहां तक हम लोग किए। ओके, नेक्स्ट है ना हम गैस की प्रॉपर्टी को जब भी हम ना स्टडी करते हैं ना तो गैस का कुछ एक स्पेसिफिक पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर होता है, मतलब है ना कि कौन कौन सा वो प्रॉपर्टी है जो गैस
के है ना बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है या गैस के बिहेवियर को हमको स्टडी करने के लिए किस किस पैरामीटर को हमको डिटेल से समझना होता है। ओके, तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को अभी देखें या गैस की प्रॉपर्टी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उस बारे में है ना हम लोग बात करेंगे। तो है ना आप लोग टॉपिक देना, आप लोग टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग बिहेवियर ऑफ गैस, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिहेवियर्स ऑफ गैस, या हम लोग बोल सकते हैं कि विच प्रॉपर्टी एंड विच प्रॉपर्टी अफेक्ट गैस ना विच प्रॉपर्टी अफेक्ट बिहेवियर ऑफ गैस, विच प्रॉपर्टी अफेक्ट बिहेवियर ऑफ गैस। देखो सिंपली है ना कहने का ये मतलब है ना कि जब भी हम लोग गैस के है ना बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो किस किस पैरामीटर पे करते हैं। ठीक है, देखो यदि हमको सॉलिड दिया हुआ है तो सॉलिड के केस में है ना कुछ प्रेशर तो होगा नहीं, कुछ प्रेशर नहीं होता है। तो है ना जब भी हम लोग गैस के बारे में स्टडी करते हैं ना तो गैस का एक अपना स्पेसिफिक प्रेशर होता है। मतलब देखो होता क्या ना, आप लोग यदि लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड में ना एक ना सर्टेन डायरेक्शन में प्रेशर लगता है। ठीक है ना, अब बोलोगे सपोज कुछ मास है लिक्विड का, हम बोलते हैं डाउनवर्ड MgH, आप लोग पढ़े होगे रोजीएच आप लोग पढ़े होगे है ना, फ्लूइड अवेलेबल थोड़ा बहुत आइडिया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का तो वहाँ पढ़ना होता है, अदरवाइज डिटेल से आप लोग प्लस है ना जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आप लोग इसको डिटेल से करोगे। तो सिंपली है ना गैस का अपना कुछ स्पेशल है ना स्पेशल बिहेवियर होता है जिसको कि किस किस पैरामीटर पे हम लोग क्या करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, किस किस पैरामीटर पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं गैस के बिहेवियर को। तो जो फर्स्ट है ना बिहेवियर को हम एक्सप्लेन करेंगे या किस पैरामीटर पे करेंगे वो है प्रेशर। फर्स्ट क्या है प्रेशर, आप लोगों को पता होगा प्रेशर किसको बोलते हैं, आप लोग है ना 9th क्लास में आई थिंक होगे है ना प्रेशर को, जब भी हम लोग प्रेशर को डिफाइन करते हैं प्रेशर सिंपली क्या बोलोगे, प्रेशर क्या होता है ना कि सपोज कोई कंटेनर है, कंटेनर में क्या बोले यहाँ पे गैस फील्ड है, कंटेनर में क्या है गैस फील्ड है। जब कंटेनर में गैस फील्ड है ना तो आप लोग बोलोगे ना कि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल क्या करता है इसकी वाल पे क्या होता है फोर्स लगाता है, इसके वाल पे क्या क्या फोर्स लगाया तो बोलोगे ना द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया बाय द गैस मॉलिक्यूल, बाय द गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब जो भी गैस मॉलिक्यूल है जिस कंटेनर में फील्ड है उस कंटेनर के वॉल पे वो कितना फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया उसको क्या बोलते हैं प्रेशर, क्या बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो होता क्या ना जब भी हम लिक्विड की बात करते हैं लिक्विड में ना प्रेशर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, बट यदि हम गैस की बात करेंगे ना तो गैस क्या था, गैस का एक रैंडम मोशन होता है, तो गैस यहाँ भी स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ भी स्ट्राइक, यहाँ भी स्ट्राइक, यहाँ भी स्ट्राइक कर रहा होगा, तो हर जगह जो भी प्रेशर वो अप्लाई कर रहा होगा दे आर इक्वल बाय मैग्नीट्यूड। तो यदि हम प्रेशर की बात करें प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखना यदि हम यूनिट की बात किए तो यूनिट क्या बोलोगे, ऊपर क्या फोर्स, ऊपर क्या फोर्स, फोर्स का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, फोर्स कहाँ पे है न्यूटन, देखो फोर्स कहाँ पे है न्यूटन, नीचे क्या है एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट है किसका प्रेशर का। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। तो जो फर्स्ट यूनिट है प्रेशर का क्या होता है पास्कल, क्या होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखना जो प्रेशर का है यूनिट है आपको एटीएम ही लिखा रहेगा, एटमोस्फेरिक, एटीएम स्टैंड्स फॉर एटमोस्फेरिक, मतलब सिंपली आपको जब भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे ना तो वहाँ पे प्रेशर आपको मोस्टली एटमोस्फेयर मिलेगा, कहाँ मिलेगा एटमोस्फेयर में। एक और होता है प्रेशर का यूनिट एमएम ऑफ एचजी, मतलब मरकरी के हाइट पे, मतलब मरकरी का क्या हाइट है ना उसके है ना क्रोस्पॉन्डिंग प्रेशर का जो है ना यूनिट है वो भी डिफाइन किया गया। कैसे किया गया आप लोग डिटेल से करोगे, जब भी हम लोग करते हैं बैरोमीटर नैनोमीटर तो वहाँ पे आप लोग डिटेल से करोगे। ठीक है, तो ये काउंट किया जाता है ना कि जो वन एटमोसफेयर था, वन एटमोसफेयर का जो प्रेशर था वो 760 mm of Hg के बराबर होता है। अब कैसे होता नहीं होता है वो जब है ना डिटेल से हम लोग करते हैं बैरोमीटर प्लस वन के सिलेबस में तो आप लोग करोगे, या जब भी आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स करोगे फिजिक्स में तो आप लोग डिटेल से इस वाले पार्ट को करोगे। ठीक है, और एक होता है बार, बार में प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या एक होता है सेंटीमीटर ऑफ एचजी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। एक होता है टॉर, TOR, टॉर, दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर।
बट जब भी हम लोग है ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन या तो हम एटमोस्फेयर यूज करते हैं या हम लोग MMHG यूज करते हैं, MMHG यूज करते हैं। अब देखो मतलब कैसे इस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम इस लोग देखो सॉरी प्रॉपर्टी तो हम एक्सप्लेन करना प्रेशर का है, तो प्रेशर का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, तो इन सब का आपस में लिंकिंग होता है, मतलब है ना जब कभी कभी आपको क्या होता है ना कि है ना एटमोसफेयर में दिया है MMHG में कन्वर्ट करना है या है ना पास्कल में है ना एटमोसफेयर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग है ना एक सबका जो है ना सबका आपस में क्या लिंकिंग है वो लिख रहे हैं 1 atmosphere इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 10^5 pascal और दूसरा होता है ना 1 atmosphere इज इक्वल टू 760 mm of Hg या आप लोग लिखोगे 76 cm of Hg ये भी क्या होता है ना प्रेशर का ही यूनिट है। तीसरा आप ये लिख सकते हो 1 atmosphere इज इक्वल टू 1.013 bar 1 atmosphere = 0.1013 bar अब आप ये भी बोल सकते हो कि एटमोसफेयर और बार नियरली बराबर ही होता है, कभी कभी क्वेश्चन को आपको है ना सिंप्लीफाई करने के लिए आप दोनों को बराबर ले सकते हो, आप दोनों को बराबर ले सकते हो। एक है आपका 1 atmosphere इज इक्वल टू 760 torr ये भी है ना प्रेशर का यूनिट है, ये भी क्या है प्रेशर का ही यूनिट है। ओके ये भी क्या प्रेशर का यूनिट है, कोई बच भी गया आई थिंक सारा हो गया। तो है ना हम लोग एटमोसफेयर में ही डील करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको एटमोसफेयर के फॉर्म में ही दिया रहेगा, बट यदि आपको क्वेश्चन कहीं भी दिया हो तो आप लोग उसको एटमोसफेयर या जहां भी कन्वर्ट करना आप उसको इजी कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोले कि है ना जो गैस का एक्चुअल है ना यदि गैस के प्रॉपर्टी को एक्चुअल किस वे से स्टडी करना है तो उसमें प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब जो जिस कंटेनर में गैस फिल्ड है उसके वाल पे वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है पर यूनिट एरिया उसको क्या बोलते हैं प्रेशर, एंड ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या उसको क्या बोलते हैं पास्कल। तो दीज आर द है ना डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन देम। ओके हम लोग अब नेक्स्ट ये प्रेशर था, नेक्स्ट है टेम्परेचर, नेक्स्ट क्या है टेम्परेचर। तो यदि आपको बोलेगा टेम्परेचर है क्या, बोल सकते हो ना कि कोई भी है ना मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना क्या है कूल है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ज्यादा हॉट होगा क्या बोलेंगे ये ज्यादा टेम्परेचर पे है, यदि कम हॉट होगा क्या बोलेंगे ये कम टेम्परेचर पे है। तो सिंपली जो टेम्परेचर है वो क्या होता है सिंपली यदि हमको एक लाइन में बोलेगा टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे इट काउंट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बोल सकते हैं ना इट काउंट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप लोग डिफाइन करो टेम्परेचर लिखना, टेम्परेचर इट काउंट लिखो जल्दी इट काउंट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, इट काउंट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट, इट काउंट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एनी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट या एनी और एनी ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट। तो सिंपली एक लाइन में क्या बोलेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है या कितना क्या है कूल है उसको हम क्या बोलते हैं ना वो टेम्परेचर का ही ना टेम्परेचर के ना अंदर ही आता है। या सिंपली आप ये बोलोगे ना किसी भी गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस टेम्परेचर। इट मीन्स है ना हायर टेम्परेचर पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ज़्यादा होगा, लोअर पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगा। इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है दे कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दे कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आप लोग है ना आप लोगों को पता होगा टेम्परेचर का कौन कौन सा यूनिट है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन आप लोग करते होंगे पहले भी किए होंगे है ना। देखो हम सिंपल ही दिए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर या तो डिग्री सेल्सियस में होगा या आपको कैल्विन में होगा या आपको फॉरेनहाइट में होगा, कहाँ पे होगा डिग्री सेल्सियस कैल्विन या फॉरेनहाइट। तो आप लोगों को पता होगा ना डिग्री कभी भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू कैल्विन, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू कैल्विन, एग्जैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू 273.15 बट आई थिंक दे आर नॉट ट्रू एज सच इंपॉर्टेंट कि आपको सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप 273 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है ना एक होता है ना फॉरेनहाइट में तो डिग्री सेल्सियस ओवर 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9, ये डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट का क्या है रिलेशन है। आई थिंक ज़्यादा आपको यूज होगा नहीं बट यदि कोई यूज है तो आप लोग इसको इजिली कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। जहाँ यूज होगा तो हमको मोस्टली जो है ना यूज होता है किसका डिग्री सेल्सियस और कैल्विन का, डिग्री सेल्सियस और कैल्विन का इतना ही आपको यूज होगा, आपको ज़्यादा यूज होगा भी नहीं
तो यहाँ तक आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली है ना टेम्परेचर आई थिंक एक्चुअल को डिफिनेशन हम लोग कर नहीं सकते, सिंपली हम ये बोले डिग्री ऑफ हॉटनेस या कूलनेस पे जब भी हम होता है तो हम उसको टेम्परेचर की है ना रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। तो मोस्ट हमको है ना यूनिट पे काम करना है, यूनिट क्या बोले इसका डिग्री सेल्सियस या क्या होता है कैल्विन होता है, तो या कभी कभी आपको फॉरनहाइट दिया रहेगा, इसका आपस में कन्वर्जन है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम पे। नेक्स्ट कहाँ पे है? वॉल्यूम पे। ओके, नेक्स्ट क्या वॉल्यूम? नेक्स्ट क्या वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या बोलोगे? सिंपली स्पेस है ना, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो एसआई यूनिट है वॉल्यूम का वो होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब देखना जब भी आपको वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस करोगे ना तो कहीं पे कहीं पे कुछ डाटा लिखा रहेगा, तो उसको है ना एक बार दिमाग रख लेना कि आपको इतना पता होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, पता है आपको? ठीक है, एंड 1 decimeter cube इज इक्वल टू 1 liter, 1 centimeter cube इज इक्वल टू 1 ml, कन्वर्जन आपको आई थिंक अच्छे से आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए, एंड 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter। दीज आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन देम। आपको क्वेश्चंस कभी कभी है ना डाटा किस तरह से पुट किया हुआ है उसको इजीली अप्रोच करने के लिए आपको कभी कभी इन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आप लोग इसको भी माइंड में रखना। देखो अभी तक हम लोग है ना क्या बोले गैस के बिहेवियर को है ना कितना कौन किस किस पैरामीटर पे हम लोग अच्छे से है ना स्टडी करते हैं, उसमें फर्स्ट था प्रेशर, सेकेंड था टेम्परेचर, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम। एक है आपका है ना कभी कभी आपको एक आएगा अमाउंट ऑफ गैस। देखो जब भी हमको अमाउंट ऑफ गैस की बात करेगा ना, अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली टू मोल, और हम लोग मोल के बारे में पढ़ चुके हैं, जो मैं हम लोग का जो अभी तक का जो टॉपिक था हम लोग मोल अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोग क्या बोले गैस के बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास चार डिफरेंट पैरामीटर है, वो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। तो अब लोग हम लोग अब मेन पार्ट पे आते हैं, दैट इज गैस लॉ। कुछ लॉज ऑफ 9th class में भी पढ़े होंगे, दैट इज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, हम लोग उसी वाले पार्ट पे आएंगे। देन हम लोग गैस इक्वेशन पे आएंगे, देन हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को भी ड्राइव करेंगे, बट दे आर नॉट इन योर सिलेबस, बट हल्का सा आइडिया बस एक ओवरव्यू रहेगा। मेन हम लोग जो है ना क्वेश्चंस करेंगे वो गैस लॉ पे ही क्वेश्चन करेंगे, बट कभी कभी है ना थोड़ा सा आपको है ना आइडियल गैस तक का आइडिया होना चाहिए। अगर लोग गैस लॉ पढ़ रहे हो तो आई थिंक इतना आइडिया कोई कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो हम लोग आइडियल गैस तक का स्टडी करेंगे। बट द मेन थिंग हम बता देंगे आपको कि कहाँ तक आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो भी बोर्ड ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं। ओके, हम लोग आप देना नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तो गैस लॉ में पहला हमको जो पढ़ना हुआ है बॉयल्स लॉ, पहला करना बॉयल्स लॉ। आई थिंक आप लोग 9th class में पढ़े होंगे अच्छे से व्हाट इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ देखो हम पे बोले हमको लर्न कैसे याद कैसे रखना उसके लिए बता रहे हैं। बॉयल्स का मतलब है कोई चीज़ बॉयल करना, किसी चीज़ का बॉयल होना। बॉयलिंग होता कहाँ पे? टेम्परेचर पे। कहाँ होता है? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जब कभी भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट किए, जब कभी हम क्या किए टेम्परेचर को कांस्टेंट किए, तो एक प्रैक्टिकल एक बोलो ना प्रैक्टिकल आप देखोगे डे लाइफ में। देखो सपोज मेरे पास कोई कंटेनर में गैस फिल्ड है, क्या है? गैस फिल्ड है, और हम टी को कांस्टेंट रख रहे हैं। टी को क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। देखोगे ना जब भी हम सपोज क्या बोले अभी है ना कोई कंट गैस फिल्ड है, यदि आप उसको कंप्रेस करोगे, जब कंप्रेस करोगे ना तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज करता है। वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज करता है। अब आप बोल सकते हो ना कि वॉल्यूम डिक्रीज किया कब? जब हम प्रेशर को क्या किए? इंक्रीज किए। जब हम प्रेशर को क्या किए? इंक्रीज किए। तो आप लोग ये बोल सकते हो ना कि
है ना, जब वही प्रेशर कॉन्स्टेंट, सॉरी जब भी क्या था, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, टेम्परेचर क्या था कॉन्स्टेंट था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जब हम वॉल्यूम को, सॉरी प्रेशर को क्या किए, इंक्रीज किए, प्रेशर क्या किए इंक्रीज किए, तो जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, डिक्रीज किया, वो क्या किया डिक्रीज किया। देखो देखो हम क्या बोले, हम क्या बोले, सपोज कि कंटेनर है, यहाँ पे गैस फिल्ड है, यहाँ पे क्या है गैस फिल्ड है, यहाँ पे क्या है गैस फिल्ड है, और हम टी को क्या बोले कॉन्स्टेंट, टी को क्या बोले कॉन्स्टेंट, टी को क्या बोले कॉन्स्टेंट। अब बोलो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सपोज हम इस पर प्रेशर लगाना अप्लाई, प्रेशर अप्लाई किए, जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो बोलो कि जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा। यदि वॉल्यूम डिक्रीज किया, वॉल्यूम क्या किया डिक्रीज किया, कब, जब हम प्रेशर को क्या इंक्रीज किए, क्या किए प्रेशर इंक्रीज किए, इट मीन्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम क्या किया डिक्रीज किया, वॉल्यूम क्या किया डिक्रीज किया। उल्टा बोलो, सपोज हम क्या बोले गैस एक्सपेंड किया, यदि गैस एक्सपेंड करेगा बोलो क्या ना कि जो प्रेशर है वो क्या होगा डिक्रीज करेगा, वो क्या होगा डिक्रीज करेगा। यदि प्रेशर डिक्रीज किया वॉल्यूम क्या किया इंक्रीज किया, हम सपोज यदि गैस एक्सपेंड किया, यदि गैस एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर क्या हुआ डिक्रीज हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी ना गैस का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, गैस क्या एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, जब हम इस केस को स्टडी किए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही बोलेंगे ना, प्रेशर क्या है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर क्या वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो ये है ना, ये चीज कब ऑब्जर्व की है, ये डाटा कब ऑब्जर्व की है, जब टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है, जब क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, वो अमाउंट ऑफ गैस है, वो क्या है अमाउंट ऑफ गैस, मतलब जितना गैस मेरे पास इनिशियली था, ये जो गैस है इसका तो अमाउंट तो फिक्स ही है, ये अमाउंट क्या है फिक्स है। इट मीन्स फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, आप लोग नोट करना डेफिनेशन, बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन नोट करना, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट था। अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या था, मतलब जो स्टेटमेंट हम लिखे उसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे है। तो लिखे ना प्रेशर क्या वॉल्यूम के इन्वर्सली है, आप लोग इसको लिख लो, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट मीन्स हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना पी इंटू वी, पी इंटू वी है ना इज इक्वल टू क्या लिखोगे कॉन्स्टेंट, लिख सकते हैं ना पी इंटू वी इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉन्स्टेंट, पी इंटू वी क्या लिखेंगे कॉन्स्टेंट, पी इंटू वी क्या लिखेंगे कॉन्स्टेंट। इट मीन्स अब देखो मेरे पास तो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है इनिशियली क्या है इनिशियली एट वन एट पी वन और वी वन है, मतलब इनिशियली उसका प्रेशर क्या है पी वन है, वॉल्यूम क्या है वी वन है, और जब कोई उस पर हम क्या किए डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस किए, आफ्टर चेंजेस उसका प्रेशर क्या हो गया पी टू हो गया एंड वॉल्यूम क्या हो गया वी टू हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया वी टू हो गया। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या बोल सकते पी वन वी वन इक्वल टू क्या बोलेंगे पी टू वी टू, बोल सकते हैं ना। इट मीन्स फॉर ए गैस, इट मीन्स फॉर ए गैस, फॉर ए गैस एक्स, कोई गैस एक्स है, इफ फॉर ए गैस एक्स इफ इट इज एट पी वन एट एंड वी वन, मतलब इनिशियली कहाँ था पी वन, इफ इट इज एट पी वन एंड वी वन एंड आफ्टर सम चेंजेस, एंड आफ्टर सम चेंजेस, एंड आफ्टर सम चेंजेस इट बिकम्स है ना, जो भी कंडीशन था क्या हो गया पी टू हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया वी टू, मतलब कि है ना कोई चेंज किए हम जितना भी चेंज है ना चेंज करने के बाद प्रेशर क्या हो गया पी टू हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया वी टू हो गया। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पी वन वी वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पी टू वी टू, पी वन वी वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पी टू वी टू। ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट था, क्या पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, इट मीन्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप लोग इसको जल्दी से नोट करो, देखो कभी कभी ना हमको है ना इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या है कि कोई भी प्रेशर है, कोई भी प्रेशर है, कोई भी वॉल्यूम है,
इधर प्रेशर वॉल्यूम कर्व की बात करें, देखो होता क्या है ना, पी वी इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट, मतलब कि इच है ना हर एक पॉइंट पे ना जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो है ना कर्व होगा वो क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट होगा। तो ग्राफ का इंटर कुछ ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड आइसो बार, आइसोथर्म बोलते हैं इसको। देखो आइसोथर्म क्यों बोले ना, आइसोथर्म इसलिए बोले क्योंकि ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया वो एट कॉन्स्टेंट ग्राफ ड्रॉ किया गया, वो कब किया गया, एक कॉन्स्टेंट कंडीशन पे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया। कभी कभी आपको एक और ग्राफ पूछ सकता है, उस ग्राफ का नेचर है ना, सपोज आपको पता होगा है ना प्रेशर एंड वन बाई वी, उस जगह प्रेशर वर्सेस 1 बाय वी का ग्राफ ड्रॉ करें। देखो हम क्या बोले, पी टू वी क्या था, कांस्टेंट था, ये था ना प्रेशर इनवर्स टू वॉल्यूम, ये था ना, दैट इज पी इज इक्वल टू के इनटू 1 बाय वी, ये बोलोगे ना, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1 बाय वी। तो देखोगे ना कि ये ग्राफ पी और 1 बाय वी का है, पी और 1 बाय वी का है। इस ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इफ है ना, इफ यू इंटरेस्टेड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ मोर डिटेल्स, देन यू हैव टू है ना यू हैव टू अटेंड एडवांस क्लास, ओके है ना, जैसा कि आप लोगों को है ना इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखो हम है ना उस सिलेबस के बियॉन्ड नहीं जा सकते, हम लोग एक मोस्टली बोर्ड के पार्ट को कवर करेंगे। तो ग्राफ के नेचर को अच्छे से कैसे है ना स्टडी करते हैं, क्या इसके पीछे का लॉजिक्स है, इस चीज़ों को हम यदि है ना डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे तो है ना जो मैं सिलेबस है वो थोड़ा सा लंबा खींचेगा। इसलिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं है ना अच्छे से गैस ग्राफ फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है ना इन्फॉर्म करेंगे, उन लोगों का एडवांस क्लास अलग से अरेंज किया जाएगा, ओके। बट बेसिक्स आप लोग ये दो ग्राफ के फीचर्स को है ना याद रखना है ना, सिंपली ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसके पीछे का क्या लॉजिक्स है, और हम लोग कभी होगा तो एडवांस क्लास में हम लोग ग्राफ्स के क्वेश्चंस भी करेंगे और ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी हम सब कुछ देखेंगे। तो वो सारा कुछ होगा एडवांस क्लास में, जो भी इंटरेस्टेड है वो उन बच्चों के लिए ही है ना ऑप्शनल क्लास होगा, जो भी इंटरेस्टेड है बस उन लोगों के लिए होगा, ओके। अब जल्दी से ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लो, ओके। नेक्स्ट लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्या है, चार्ल्स लॉ। अब देखो चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट था या चार्ल्स लॉ का जो है ना स्टडी था वो था है ना एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं। देखोगे ना कि ना सपोज कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में गैस फिल्ड है, कंटेनर में गैस फिल्ड है और हम प्रेशर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। प्रेशर क्या रख रहे हैं, कॉन्स्टेंट, मतलब कि जो बाहर का जो प्रेशर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। देखो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो सिंपली क्या होता है ना, गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड इंक्रीज कर जाता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि स्पीड इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, यदि स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना, हम ये बोल सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस। देखो हम सिंपली क्या बोले कि हम स्टडी कब कर रहे हैं, हम गैस के प्रॉपर्टी को स्टडी कब कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हम क्या बोले, कोई कंटेनर है उसमें गैस फील्ड है, इसमें क्या है, गैस फील्ड है और पी कॉन्स्टेंट है। यदि हम टी को इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज किया तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम भी क्या कर जाएगा इंक्रीज करेगा। इट मीन्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस
प्रेशर सॉरी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट मीन्स द गैस सॉरी द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. इट्स टेम्परेचर. अब यहाँ से आप ये बोल सकते हो ना, आप लोग एन स्टेटमेंट नोट कर जल्दी से. फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, फॉर ए फिक्सड अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फॉर ए फिक्सड अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दैट इज वी इज इक्वल टू क्या होगा, के टी. वी इज इक्वल टू क्या होगा, के टी. ताकि आप ये बोल सकते हो ना, वी बाई टी. वी बाई टी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. वी बाई टी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट. इट मीन्स वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू. ये अकॉर्डिंग टू क्या है, चार्ल्स लॉ. ये क्या है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. फर्स्ट एंड आप लोग क्या स्टेटमेंट लिखो, देन आप इसको लिखो, देन इस वाले पार्ट तक. ये क्या है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. ओके, जल्दी से इसको नोट करो. अब देखो यदि हम है ना इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यदि अभी हम ग्राफ ड्रॉ किए थे पी वर्सेज वन बाई वी का, हम लोग अभी पी वर्सेज वन बाई वी का ग्राफ ड्रॉ किए थे. देखो वी वर्सेज टी का, वी वर्सेज टी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. देखो वी इक्वल टू क्या है, के टी. वी इक्वल टू क्या है, के टी. इट मीन्स वी ओ टी में क्या है, डायरेक्ट कॉरिलेशन है. वी ओ टी में क्या है, डायरेक्ट कॉरिलेशन है. इट मीन्स यदि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. यदि वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस ग्राफ का चलिए सॉल्व. इसको होते आइसोबार, क्योंकि ये जो हम ग्राफ ड्रॉ किए वो ग्राफ कब ड्रॉ किए, वो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ड्रॉ किए. वो कब ड्रॉ किए, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ड्रॉ किए. तो ये चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट था, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. मोर ग्राफ हम लोग करेंगे एडवांस वाले क्लास में. अब जल्दी से इसको नोट करो. ओके, हम लोग दो लॉ किए, एक क्या कहते बॉयस लॉ, क्या कहते चार्ल्स लॉ. अब हम लोग आते हैं गैस इक्वेशन पे. अब हम लोग कहाँ आते हैं गैस इक्वेशन पे. देखो मेरे पास दो लॉ था, एक मेरे पास क्या था बॉयस लॉ. तो जो बॉयस गैस लॉ, हम गैस लॉ पढ़े, दो गैस लॉ पढ़े ना, एक गैस लॉ क्या था, एक क्या था बॉयस लॉ. बॉयस लॉ क्या बोला कि जो प्रेशर था वो वॉल्यूम के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम के इन्वर्सली होगा. दूसरा क्या था चार्ल्स लॉ. दूसरा क्या था चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या बोला, जो प्रेस वॉल्यूम है वो क्या होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली, वो क्या होगा टेम्परेचर के डायरेक्ट. ये अकॉर्डिंग टू गैस लॉ. ये क्या है अकॉर्डिंग टू गैस लॉ. यदि हम लोग गैस इक्वेशन की बात करें, यदि हम लोग गैस इक्वेशन की बात करें, तो गैस इक्वेशन क्या होता है ना, वो बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ का कंबाइंड फॉर्म है. वो क्या है, बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ का क्या है, कंबाइंड फॉर्म है. इट मीन्स इसको हम लिख सकते हो ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लिख सकते हैं. और ये क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर. यही है ना, वॉल्यूम क्या टेम्परेचर के डायरेक्टली है. यदि आप दोनों को कंबाइन करो, यदि आप क्या करो दोनों को कंबाइन करो, तो आप लोग ये बोल सकते हो ना. देखो तो यहाँ से हम लोग क्या बोले, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. देखो दोनों को यदि हम कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, दोनों को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा, एक रुक जाओ, दोनों कंबाइन करो. कंबाइन करने क्या होगा कि देखो है ना, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और वी बाई टी इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट है. वी बाई टी इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट है. यदि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकेंड वाली इक्वेशन को कंबाइन करें, क्या करें कंबाइन करें, तो मेरे पास जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगा ना, देखो प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स का रिलेशन है. प्रेशर वॉल्यूम का क्या है, इन्वर्स का रिलेशन है. और वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्ट का रिलेशन है. डायरेक्ट का रिलेशन है ना, तो आप लोग ये बोल सकते हो ना. देखो तो पी इंटू वी, पी इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोल सकते, देखो तो ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं. हाँ तो पी वी बाय टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकते हो. पी वी बाय टी इक्वल टू क्या बोलेंगे कॉन्स्टेंट. पी वी बाय टी इक्वल टू क्या बोलेंगे कॉन्स्टेंट. दैट इज पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू. ओवर क्या होगा टी टू. दिस इज द गैस लॉ, दिस इज द गैस इक्वेशन.
दिस इज द गैस इक्वेशन. मतलब यदि कोई गैस, देखो इसका की मतलब है, यदि कोई गैस P1 V1 मतलब कि कोई गैस है, उसका एक स्पेसिफिक प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है. यदि उस गैस में कोई चेंज हुआ, आफ्टर चेंजेस वो क्या हो गया, P2 प्रेशर क्या हो गया, P2 वॉल्यूम क्या हो गया, V2 और टेम्परेचर क्या हो गया, T2, तो इनका जो PV/T ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट. वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट. अब देखो कभी कभी आपको इस वाले पार्ट में डाउट हो रहा होगा, इस वाले पार्ट में डाउट हो रहा होगा. इस चीज़ को समझने के लिए एक और लॉ होता है, उसको गेलुसेक लॉ, ठीक है. वो हम करते तो और भी अच्छे से कर सकते थे, बट आई थिंक वो आपके ना बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उस वाले पार्ट को स्किप कर दिए. बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि प्रेशर टी के डायरेक्टली कैसे हो गया. एक जो लॉ है वो लोग है ना, वो गेलुसेक लॉ ही है. तो गेलुसेक लॉ क्या बोलता है ना, गेलुसेक लॉ ये बोलता है कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर में क्या होता है, डायरेक्ट कार्डेशन होता है. क्या होता है, डायरेक्ट कार्डेशन. बट वो आपके बोर्ड के सिलेबस नहीं है, इसलिए हम उस वाले पार्ट को स्किप कर दिए हैं, ठीक है. हम लोगों के बोर्ड के सिलेबस में बस इतना ही है, गैस इक्वेशन क्या है, गैस इक्वेशन PV/P1V1/T1=P2V2/T2. तीन बात है ना, ये मेरे पास गैस लॉ थे और गैस इक्वेशंस थे. तो हम लोग मोस्टली अब जो पार्ट करेंगे वो न्यूमेरिकल सेक्शन है, दैट इज गेलुसेक लॉ फॉर कंबाइनिंग वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो लॉ ओके. आप लोग इसको नोट डाउन करो जल्दी. देखो अब कभी कभी क्या होगा ना, आप जब है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वहां पे कंडीशन आपको मेंशन कभी कभी रहेगा. कभी कभी आपको क्या रहेगा, लाइक कंडीशन मेंशन क्या रहेगा, उस है ना लिखा रहेगा STP और NTP. आप लोग 9th क्लास में पढ़ोगे व्हाट इज STP एंड व्हाट इज NTP. STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और इस कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन. और यहाँ जो होता है प्रेशर, वो होता है 1 एटमोस्फेयर, कितना होता है 1, दैट इज 760 mm of Hg. हमने आप लोगों को अभी प्रेशर के बारे में आइडिया दिए थे कि प्रेशर का क्या रिलेशन होता है किसके साथ, एटमोसफेयर का क्या रिलेशन है MmHg के साथ. तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे आप देखोगे ना कि क्वेश्चंस में STP कंडीशन मेंशन क्या रहेगा, क्या लिखा रहेगा, STP कंडीशन मेंशन क्या रहेगा. तो STP कंडीशन मेंशन क्या रहेगा, तो आप लोग इस चीज़ को क्लियर करना कि है ना, एट STP कंडीशन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इक्वल टू 1 एटमोसफेयर. और एक कंडीशन है NTP. NTP stands for normal temperature and pressure. अब देखो इस कंडीशन पे जो टेम्परेचर है वो होता है हमारा, वो होता है मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन. और इस कंडीशन पे प्रेशर कितना होता है 1 एटमोसफेयर और दैट इज 760 mm of Hg. इन दोनों कंडीशंस में जो प्रेशर है उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है. बट टेम्परेचर कंडीशंस अलग अलग हैं. एट STP कंडीशन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, बट फॉर NTP कंडीशंस टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन. तो आपको ये जो डाटा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा. वो क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा. तो ये तो मेरा साथ है ना बेसिक्स पार्ट था. अब हम लोग आते हैं इस वाले मेन पार्ट पे, जो जहाँ तक अभी तक हम लोग किए वो आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी किए होंगे. तो जो मेन पार्ट हमको करना है वो है गेलुसेक लॉ फॉर कंबाइनिंग वॉल्यूम. कभी करना आप लोग गेलुसेक लॉ फॉर कंबाइनिंग वॉल्यूम. गेलुसेक लॉ फॉर कंबाइनिंग वॉल्यूम. ये गेलुसेक लॉ क्या था ना, इसका कुछ ये क्या कहें, जब भी शुरू में इनिशियली का इसका जो स्टेप कॉन्सेप्ट था वो क्या किया ना, लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था.
जब लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो वाटर के फॉर्मेशन के लिए था। वो क्या किया ना, H2O2 को क्या किया, रिएक्ट कर रहा है, H2+O2 फॉर्म वाटर। आपको पता ही होगा, हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं बाद में, तो समझो लॉजिक क्या था। वो बोला क्या है ना, जो गेलुसेटलो का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो क्या बोला, जब भी कोई गैसियस रिएक्शन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, इट्स नॉट वैलिड फॉर सॉल्ट एंड लिक्विड। मतलब इसका जो स्टेटमेंट था वो किसके लिए था, फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन। तो ये क्या बोला कि किसी भी गैसियस रिएक्शन में, ये क्या बोला, किसी भी गैसियस रिएक्शन में जो है ना, जो पार्ट रिएक्ट कर रहा है या जो है ना रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, उनका रेशियो बाय वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। उनका रेशियो बाय वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। आप लोग देखोगे स्टेटमेंट जो बुक में है वो एक थोड़ा सा यूनिक वे में दिया, अलग वे में दिया हुआ, तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। बट सिंपली यदि हम है ना उसका जो है ना बेसिक समझोगे ना, उसकी जो स्टेटमेंट का बेसिक था वो यही था कि है ना किसी भी गैसियस रिएक्शन में जो है ना रिएक्टिंग सब्सटेंस है उनका रेशियो बाय वॉल्यूम क्या था, फिक्स था। देखो उस समय बैलेंसिंग तक का कॉन्सेप्ट पता नहीं था किसी को, उसको इसको है ना, इसको बैलेंसिंग का आइडिया नहीं था। वो सिंपली है ना उसका एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था कि जब भी कोई गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है या जब भी कोई गैसियस रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इनका एक जो रेशियो फिक्स होता है। इसलिए वो इसी के लिए क्या था, तो ये क्या बोला ना, इसका टू पार्ट, मतलब हाइड्रोजन का दो पार्ट इसके वन पार्ट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इसका क्या करेगा, दो पार्ट करेगा। मतलब इसका दो वॉल्यूम, मतलब 2 लीटर बोलो, 2 ml बोलो, 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 डेसीमीटर क्यूब बोलो, टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। इट मीन्स एक इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था। आप लोग ये बोलोगे कि बैलेंसिंग, तो उस समय तक इसको बैलेंसिंग का आइडिया नहीं था या उस समय तक बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ये एक है ना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था। व्हेनेवर वी फॉर्म वाटर है ना, उस केस में जो है ना सब्सटेंस रिएक्ट है, जो फॉर्म कर रहा है, उसमें क्या बोले, 2:1:2 का रेशियो है। इट मीन्स टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखो एक और एग्जांपल, ये N2+H2 टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ भी आप ये देखोगे ना, जब यहाँ पे आप देखोगे इसका क्या था, वन वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट किया, और इसका क्या फॉर्म किया, 2 वॉल्यूम, क्या फॉर्म किया, 2 वॉल्यूम। तो आप ये बोलोगे ना, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो ये भी क्या था, एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था। बट यदि अभी हम इस लोग है ना इस कॉन्सेप्ट को यदि स्टडी करेंगे अभी के समय में, तो हम सिंपली इतना तो जीनियस हो तुम लोग, इतना इसको बैलेंस कर लो, जो ही रिएक्शन दिया हुआ है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बिना बैलेंस के हम कोई रिएक्शन नहीं पढ़ते। जब हम बिना बैलेंस के कोई रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, तो सिंपली यदि आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगाते हो और यहाँ पे 2 लगाते हो ना, रिएक्शन बैलेंस है। तो बोलोगे ना कि जो बैलेंस किए थे ना, बैलेंस करने के बाद जो कोफिशियंट है यहाँ कितना कोफिशियंट है, 2, यहाँ कितना कोफिशियंट है, 1, यहाँ कितना कोफिशियंट है, 2, तो बोलेंगे ना इसका 2 वॉल्यूम बिकॉज ऑफ 2, इसका 1 वॉल्यूम बिकॉज ऑफ 1, इसका 2 वॉल्यूम बिकॉज ऑफ 2। इट मीन्स 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये अब जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी यदि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, रिएक्शन लिखो, रिएक्शन में बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद जो उसका कोफिशियंट है उसको डायरेक्टली लेके चलो। तो ये बोले 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये बोलते हो ना। अब देखना एकदम इसको बैलेंस करें, इसको जब बैलेंस करोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे क्या है, 2, ये बोलते हो ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। कहीं भी आपको ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, मतलब किसी भी गैसेस रिएक्शन के लिए। सपोज हम H2+Cl2 क्या फॉर्म की, HCl। तो प्रैक्टिकली क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकली है ना गेलुसेटलो ये बोला इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 2 वॉल्यूम फॉर्म करेगा, इसका क्या करेगा, 2 वॉल्यूम फॉर्म करेगा। तो यहाँ भी हम लोग बैलेंसिंग का दिमाग लगाओगे, तो क्या बोलेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ
वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ HCl, टू फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ HCl। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू क्या है, बैलेंसिंग है। यदि आपको रिएक्शन बैलेंस करने के आता है तो आप गेलुसेक लॉ के स्टेटमेंट को इजीली समझ सकते हो, क्योंकि हर चीज को प्रैक्टिकली याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। जो गेलुसेक लॉ का अर्लियर कॉन्सेप्ट था वो इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था, बट नाउ डेज हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद जो उसका कोफिशियंट होता है, जो उसका कोफिशियंट है, बोलोगे यहाँ पे ये कोफिशियंट है, यहाँ पे ये कोफिशियंट है, यहाँ पे क्या है, ये कोफिशियंट है, तो जो कोफिशियंट रेशियो है वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम का रेशियो होता है। आप लोग लिखना स्टेटमेंट, गेलुसेक लॉ का स्टेटमेंट लिखना। अकॉर्डिंग टू गेलुसेक लॉ at constant temperature and pressure, according to Gay-Lussac law, combining ratio by volume is fixed। लिखिए, मतलब गैसियस रिएक्शन के लिए जो कंबाइनिंग रेशियो है बाय वॉल्यूम वो क्या होगा, फिक्स होगा, वो क्या होगा, फिक्स होगा। देखो आप जब भी है ना, कभी आपको स्टेटमेंट आ जाए तो एक बार आप लोग बुक के वाले स्टेटमेंट को भी गो थ्रू हो जाना। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी स्कूल में बोलते हैं कि आज जो बुक का स्टेटमेंट आप लोग वही लिखो, बट जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट यही है। गैसियस रिएक्शन में जो कंबाइनिंग वॉल्यूम है वो कंबाइनिंग वॉल्यूम बाय रेशियो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। इट मीन्स एग्जाम्पल आप लोग क्या, वाटर वाला लेना, H2+O2 गिव्स अस वाटर, इट मीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। या आप लोग इस वाली क्वेश्चन के थ्रू जा सकते हो कि वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म रिएक्ट विथ थ्री वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। देखो यदि हम लोग अभी के कॉन्सेप्ट में पढ़े तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि फॉर ए गैसियस रिएक्शन कॉफिशियंट रेशियो इज वॉल्यूम रेशियो। देखो ना, यदि हम लोग बोले ना यहाँ पे कितना कॉप्शन, टू यहाँ पे कितना है, वन यहाँ कितना है, टू, मतलब टू कॉप्शन टू वॉल्यूम, वन कॉप्शन वन वॉल्यूम, टू कॉप्शन टू वॉल्यूम, बोल सकते ना। बट ये उसका हम यदि अभी लिख लो, एक पॉइंट नोट करके लिख लो ताकि आपको क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो थोड़ा सा ईजी होगा, थोड़ा सा लिखना, लिख लो चीज को। देखो मतलब लिखना अकॉर्डिंग टू गेलुसेक लॉ, नोट करके, बट ये ना ये आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में नहीं लिखना है। आप लोग बस लिख लो नोट करके, अकॉर्डिंग टू गेलुसेक लॉ फॉर ए गैसियस रिएक्शन, कॉफिशियंट रेशियो इज ऑलवेज इट्स वॉल्यूम रेशियो। कॉफिशियंट रेशियो इज ऑलवेज इट्स कंबाइनिंग वॉल्यूम रेशियो। इन चीज़ों को आप लोग दिमाग में अच्छे से रखना। तो ये जो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वाले पार्ट में, हम लोग इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन, ताकि आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं ना, पहले एक दोस्त का क्वेश्चन करते हैं, या पहले हम लोग एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट देख ले, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो कुछ है ना बेसिक्स क्वेश्चन है वो करेंगे, देन हम लोग एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट देख लेंगे। ओके, आप लोग इसको जल्दी से एग्जांपल नोट कर लें। देखो जो क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, देखो हम सिंपल सा क्वेश्चन ले लेंगे, है ना, N2+3H2 गिव्स अस अमोनिया, हमको हम देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, हमको क्या बोला, N2 लगा दो, क्वेश्चन है हाउ मच अमोनिया गेट्स फॉर्म्ड when 10 liter ऑफ हाइड्रोजन गेट्स रिएक्टेड विथ नाइट्रोजन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग बुक वाले क्वेश्चन पे आते हैं, बट अभी सिंपली हम जो स्टेटमेंट पढ़े ना गेलुसेक लॉ का, उस वाले पार्ट को देखते हैं। देखो हम लोग क्या बोले, गेलुसेक लॉ क्या बोला, किसी भी रिएक्शन में जो वॉल्यूम रेशियो है हमेशा क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम रेशियो क्या हमेशा फिक्स है।
तो हम लोग थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई क्या किए थे, हम लोग क्या कि रिएक्शन को बैलेंस किए, बैलेंस करने के बाद जो कॉफिशेंट है वही उसका कहाँ जाता, वॉल्यूम में आता, कहाँ पे आता, वॉल्यूम में। तो एकदम है ना गेलुसा क्लॉक का स्टेटमेंट बोले, यदि हम स्टेटमेंट बोले अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये बोलोगे ना, वन वॉल्यूम, देखो वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ थ्री वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, react with 3 volume of hydrogen to form 2 volume of ammonia, ये बोलोगे ना जो स्टेटमेंट है गेलुसा क्लॉक का, जो स्टेटमेंट है हम स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। हम क्या बोले, रिएक्शन बैलेंस है इसका 1 volume, इसके 3 volume के साथ इसका 2 volume फॉर्म किया, ये किया ना, मतलब इसका 1 volume react किया इसके 3 volume से और इसका 2 volume फॉर्म किया, ये स्टेटमेंट है। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना कि अमोनिया कितना फॉर्म हुआ, जब अमोनिया कितना फॉर्म हुआ, गिवन डाटा किसका है हाइड्रोजन का, तो जिसका गिवन है, जिसका चाहिए बस उससे कंपेयर करो, जिसका गिवन है और हमको जो चाहिए बस उससे कंपेयर करो, हमको दिया हुआ हाइड्रोजन का, निकालना किसका, अमोनिया का। तो देखो हम क्या बोलेंगे, इसका 3 वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है, इसका 2 वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है। तो आप लोग ये बोल सकते हो ना, देखो तो हम बोल सकते हैं ना कि देखो लीटर दिया हुआ क्या लिखे, देखो तो 3 है ना, 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 लीटर ऑफ अमोनिया। ये बोलोगे ना इसका 3 लीटर, इसका 2 लीटर फॉर्म कर रहा है, बोलोगे ना 1 कितना फॉर्म करेगा, 2 by 3। कितना हमको दिया हुआ है, 10, कितना दिया हुआ है 10, क्या बोलोगे 2 by 3 into 10 कितना हो जाएगा 20 by 3 liter, कितना हो जाएगा 20 by 3 liter। इट मीन्स जो गिवन डाटा है और हमको जो रिक्वायर्ड है, जो हमको चाहिए और जो गिवन है उसको कंपेयर करो। तो फर्स्ट क्या करना, जो स्टेटमेंट है गेलुसा क्लॉक का, जो उसका है ना बैलेंस करने के बाद यहाँ क्या 3, यहाँ कितना 2, यहाँ से इसका 3 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम फॉर्म करेगा, करेगा ना, तो हम कितना दिया होगा 10, तो 3 वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम फॉर्म किया 2, तो 1 कितना करेगा 2 by 3, 10 कितना करेगा 2 by 3 into 10, दैट इज 20 by 3। ओके, तो आई थिंक ये बेसिक सा क्वेश्चन है। हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो बुक के क्वेश्चंस के चलेंगे, तो हम कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे एक और क्वेश्चन सीखेंगे, देन थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लेवल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आप लोग इसको जल्दी से पहले नोट करो, ओके तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है ना, जो गेलुसा क्लॉक का स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml of acetylene। देखो जब भी एक एसिटिलीन एक ना हाइड्रोकार्बन है, एसिटिलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन ये बोल सकते हो, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का बर्निंग होता है ना तो हमेशा वो CO2 और वाटर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, CO2 और वाटर। हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो एसिटिलीन होता है C2H2, क्या होता है C2H2, तो C2H2 प्लस O2 क्या फॉर्म किया, CO2 प्लस वाटर। आप लोग डाटा कंप्लीटली देखो उस ना, जब भी आपको इस बुक में या इस डाटा में ना या आपको इस है ना टॉपिक्स के जब भी आपको है ना रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा ना, तो उसमें आपको ना है ना हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रीक्वेंटली पूछता है, हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहता है फ्रीक्वेंटली पूछता है। तो आप लोग इस चीज़ को गौर करना कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन, इट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का कंबसन दैट इज बर्निंग विथ ऑक्सीजन, हमेशा CO2 और वाटर ही फॉर्म करता है, अब देखो रिएक्शन हो गया। अब देखो मतलब कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन की वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, कब, जब 200 ml ऑफ एसिटिलीन क्या हुआ कंप्लीटली बर्न किया, एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 हमको, देखो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि O2 कितना रिक्वायर्ड है और कितना CO2 क्या हुआ फॉर्म हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अब देखो एक चीज हम तुमको अब बताएंगे, जब भी हाइड्रोकार्बन टाइप के रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करो, फर्स्ट बैलेंस करना आप लोग कार्बन को, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। ये बैलेंसिंग जब भी हाइड्रोकार्बन टाइप्स के रिएक्शंस को बैलेंस करना हो, ये सबसे एकदम है ना क्या बोल जेन्युइन मेथड है कि आप लोग तुरंत बैलेंस करो। देखो हम क्या बोले, कार्बन
दो बैलेंस हो गया, कितना हाइड्रोजन, दो बैलेंस है, चार एक पांच, कितना बोलोगे? यहाँ पे हम 5/2 लगा, देखो तो 5/2 लगा है, बैलेंस है, बट किसी को नहीं पच रहा होगा, केस कैसे हम कर दिए, तो क्या करो है ना, कंप्लीट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो जाएगा, 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स अस 4CO2 प्लस 2 वाटर, देखो तो अब भी बैलेंस है, 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 10 ऑक्सीजन, बैलेंस है, क्या बैलेंस है। तो जब भी गेलुसेक लॉ के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होने के बाद हम क्या बोले, जो बैलेंसिंग के बाद कोफिशिएंट है ना, वही उसका वॉल्यूम रेशियो है, वही उसका क्या है, वॉल्यूम रेशियो है, हम लिखेंगे ना, इसका 2 वॉल्यूम इसके 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 4 वॉल्यूम फॉर्म करेगा, और इसका क्या होगा, 2 वॉल्यूम फॉर्म करेगा, यही कॉन्सेप्ट है ना, हम क्या बोले, बैलेंसिंग के बाद जो कोफिशिएंट है, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, और यहां पे क्या है, 2 है, बैलेंसिंग के बाद जो कोफिशिएंट है वही क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो, वही क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो होगा। अब देखो हमको चाहिए क्या, हमको 200 ml एसिटिलीन का कंबसन करवाना है, 200 एसिटिलीन का कंबसन कराना है, हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि कितना O2 रिक्वायर्ड है और कितना CO2 फॉर्म्ड हुआ है, कितना O2 रिक्वायर्ड है और कितना CO2 क्या हुआ, फॉर्म्ड हुआ है। तो O2 रिक्वायर्ड, पहले हम O2 वाले पार्ट पे आते हैं, देखो तो इसका 2 वॉल्यूम इसके 5 वॉल्यूम से चेक कर रहा है ना, लिखोगे ना आपको यहाँ पे क्या लिखा हो, ml, तो क्या लिखोगे, 2 ml ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विथ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, लिख सकते हो, देखो तो 2 ml मतलब इसका 2 पार्ट इसके 5 के साथ अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट 2 ml 5 के साथ रिएक्ट किया, तो 1 कितने के साथ करेगा, 5/2 के साथ, 1 कितने साथ करेगा, 5/2 के साथ, 1 कितने साथ करेगा, 5/2 के साथ, मेरे पास कितना दिया हुआ है, 200, कितना दिया हुआ है, 200, क्या लिखोगे, 5/2 कितना, 200 कितना हो जाएगा, 500, कितना हो जाएगा, 500, इट मींस एसिटिलीन के कंप्लीट कंबसन के लिए, एसिटिलीन के कंप्लीट कंबसन के लिए हमको जो O2 रिक्वायर्ड है, O2 रिक्वायर्ड है वो कितना है, 500 ml, कितना है, 500 ml। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखे, बैलेंस किए, बैलेंस के बाद जो कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, कोई डाउट यहां तक, देखो अब हम लोग आ रहे हैं कि हम क्या बोला, कितना CO2 फॉर्म हुआ है, कितना CO2 फॉर्म हुआ है हमको वो भी पता करना है। अब देखो, तो देखो इसका 2 पार्ट इसका 4 पार्ट फॉर्म कर रहा है ना, इसका 2 पार्ट कितना पार्ट फॉर्म कर रहा है, 4 पार्ट, इसका 2 पार्ट क्या कर रहा है, 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट क्या कर फॉर्म कर रहा है, तो लिखोगे ना कि 2 ml ऑफ एसिटिलीन, 2 ml ऑफ एसिटिलीन फॉर्म 4 ml ऑफ CO2, 4 ml ऑफ CO2 आप ये लिखोगे ना। अब देखो मतलब इसका 2 ml इसका कितना फॉर्म किया, 4 ml, कितना फॉर्म किया, 4 ml, तो उसका 1 ml कितना करेगा, 4/2 ml, कितना करेगा, 4/2 ml, और कितना ml दिया हुआ है मेरे पास, 200, कितना दिया हुआ है, 200, क्या लिखेंगे, 200 कितना करेगा, 4/2 कितना, 200, दैट इज 400, इट मीन्स हम क्या बोले, 500 ml क्या, 500 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हुआ और 400 ml क्या किया, CO2 फॉर्म किया। तो एक प्रॉपर वे में आप लोग सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखेगा, रिएक्शन के बाद क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू गेलुसेक लॉ 2 ml या 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, देन हमको जिसका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को सॉल्व किए। हमको रिक्वायरमेंट किसकी थी, हमको रिक्वायरमेंट थी कि कितना ऑक्सीजन क्या था, कितना ऑक्सीजन हमको रिक्वायरमेंट किस चीज की थी, रिक्वायरमेंट क्या था हमको, हमको रिक्वायरमेंट ये था कि हाँ कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, हम क्या बोलेंगे 500 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था और क्या बोलेंगे 400 ml, और क्या बोलेंगे 400 ml CO2 यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म हुआ है। आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, हम लोग उसको करते हैं। हो गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 6 liter ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 5.6 liter ऑफ क्लोरीन है ना, उसको मिक्स किए एंड देन एक्सप्लोड व्हाट वॉल्यूम ऑफ, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। ओके देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो रिएक्शन, क्या हो रिएक्शन, H2 + Cl2 गिव्स अस
टू एस सी एल, ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो वो रिएक्शन है और हमको रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिक्स लीटर कौन है हाइड्रोजन, सिक्स कौन है हाइड्रोजन, और 5.6 क्या है, 5.6 क्या है, 5.6 क्या है क्लोरीन, 5.6 क्या है क्लोरीन। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद रिएक्शन हुआ होगा, रिएक्शन खत्म हुआ, रिएक्शन खत्म होने के बाद फाइनल कंपोजिशन में, फाइनल कंपोजिशन में क्या क्या है, मतलब हर पार्ट रिएक्ट किया या कितना फॉर्म हुआ कैसे क्या है वो सब निकालना। देखो अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गया। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था ना, ओनली हमको एसिटिलीन का डाटा दिया हुआ था, है ना, एसिटिलीन के डाटा से हम ये निकाले थे कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था और कितना CO2 फॉर्म हुआ था, कितना CO2 फॉर्म हुआ था। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाटा हमको H2 का भी डाटा दिया हुआ है और हमको Cl2 का भी डाटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये फाइंड करना है कि इन दोनों में कंप्लीटली खत्म कौन हुआ होगा, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ होगा तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्लीट खत्म हो गया होगा और कौन सा पार्ट बचा होगा। ओके तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है ना, वो पार्ट जो रिएक्शन में कंप्लीट खत्म हो गया, मतलब जो कंप्लीट क्या होता है रिएक्शन में खत्म हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यहां लिख लेना आप लोग, द कंपोनेंट व्हिच गेट्स कंप्लीटली, द कंपोनेंट व्हिच गेट्स कंप्लीटली रिएक्टेड इन अ केमिकल रिएक्शन, द कंपोनेंट व्हिच गेट्स कंप्लीटली रिएक्टेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जो पार्ट कंप्लीट रिएक्ट किया उसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग। और एक चीज याद रखना, जो भी मेरा कैलकुलेशन है, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कितना फॉर्म हुआ है वो डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट ही करता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये फाइंड करना है इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है। तो आप लोग एक पॉइंट लिखना नोट करके यहीं पे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स आउट ऑफ H2 एंड Cl2, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्या फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इट मीन्स कौन रिएक्शन में कंप्लीट खत्म हो गया, कौन रिएक्शन में क्या हो गया कंप्लीटली खत्म हो गया। हम तक क्या देखो, अब मैं क्यों यूज कर रहे पीछे वाले क्वेश्चन में, क्यों नहीं, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में मेरे पास एक ही रिएक्टेंट का डाटा दिया होता ना, पीछे वाले क्वेश्चन में मेरे पास एक ही रिएक्टेंट का डाटा दिया होता, इसलिए हम लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किए थे। बट इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ ना, हमको दिया हुआ है H2 का भी डाटा दिया हुआ और मेरे पास Cl2 का भी डाटा दिया हुआ, दोनों का डाटा दिया हुआ। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करेंगे कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखो हम क्या बोले, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कि जो केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली क्या होता है खत्म होता है। और एक चीज माइंड में पुट कर लो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमेशा हम अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट ही करेंगे। ओके देखो हम लिखाते हैं कैसे, हम सॉल्व करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। देखो बहुत इजी है समझना, इसका एक पार्ट इसके एक पार्ट के साथ कर रहा है, देखो तो कर रहा है ना, देखोगे ना, वन वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विथ वन वॉल्यूम ऑफ Cl2, लिखोगे देखो तो वन वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विथ वन वॉल्यूम ऑफ Cl2, कोई डाउट यहां तक। तो इसका सिक्स वॉल्यूम इसके किसने साथ करेगा, सिक्स के साथ करेगा, देखो तो बोल सकते हो इसका वन इसके कितने के साथ किया, वन के साथ किया, तो इसका सिक्स लीटर इसके कितने के साथ करेगा, सिक्स लीटर के साथ करेगा ना। इट मीन्स यदि मेरे पास हाइड्रोजन का सिक्स लीटर है, मेरे पास कितना है इसका सिक्स लीटर, तो इसका सिक्स लीटर इसके सिक्स लीटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। ओके बट हमको दिया कितना हुआ है 5.6, कितना दिया हुआ है 5.6। अब देखना यदि सिक्स लीटर Cl2 रिएक्ट कर सकता है तो 5.6 लीटर आराम से रिएक्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा आराम से रिएक्ट कर जाएगा। कोई डाउट है बोल जल्दी, हम क्या बोले इसका सिक्स इसका वन इसके वन के साथ किया, तो इसका सिक्स कितने के साथ करेगा, सिक्स के साथ करेगा ना, तो कितना दिया हुआ है 5.6। इट मीन्स सिक्स रिएक्ट कर सकता है, कर सकता है ना, बट गिवन कितना है 5.6। इट मीन्स जब सिक्स रिएक्ट कर सकता है तो 5.6 ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर गया होगा, तो इट मीन्स आउट ऑफ H2 एंड Cl2, मतलब देखो हम क्या बोले सिक्स रिएक्ट कर सकता है बट गिवन कितना है, 5.6। इट मीन्स इट इज ए लिमिटिंग रिएजेंट,
इट इज ए ल्यूटिंग रिएजेंट। देखो 6 रिएक्ट कर सकता था तो 5.6 रिएक्ट कर ही जाएगा, इट मींस इस रिएक्शन में जो Cl2 है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है। वो क्या है? एक लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। अब भैया क्वेश्चन को नोट मत करो, आप लोग इस डाटा को पहले से जल्दी से नोट करो कि इस रिएक्शन में Cl2 में इस वाई डाटा में क्या है, Cl2 एक लिमिटिंग रिएजेंट। देखो कभी हम ना पहले इसको नोट करो, हम यहाँ थोड़ा सा डाटा चेंज करेंगे, फिर एक हम बस ये पता करना चाहेंगे कि लिमिटिंग कौन है, देन हम इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे। ओके पहले जल्दी से इस वाले पार्ट को नोट करो कि इस डाटा में कौन है, Cl2 क्या है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है। Cl2 क्या है? एक लिमिटिंग रिएजेंट है। जल्दी से इसको नोट करो। ओके देखो देखो सपोज दूसरा डाटा थोड़ा चेंज करते हैं, सपोज कोई रिएक्शन है ये ना, एक दूसरा रिएक्शन, इस सेक्शन का पार्ट नहीं है ये ना, ये इस रिएक्शन का पार्ट नहीं है, H2 + Cl2 2HCl। हमको बस निकालना क्या लिमिटिंग कौन है। सपोज हम इसका क्या बोले, इसका मेरे पास 2 लीटर है और इसका मेरे पास 5 लीटर है, इसका कितना है 5 लीटर, कितना है 5 लीटर। यही बोलोगे देखो इसका 1 कितने के साथ किया, 1 के साथ, इसका 2 कितने के साथ करेगा, 2 के साथ करेगा। देखो ना हम क्या बोल रहे, बस लिमिटिंग डिसाइड करना, इसका 1 इसके कितने के साथ किया, 1 के साथ, इसका 2 इसे कितने के साथ करेगा, 2 के साथ करेगा ना। बट गिवन कितना है, बट गिवन कितना है 5, इट मींस रिएक्ट 2 ही कर सकता है, बट गिवन कितना है 5, कितना है 5, इट मींस अब इस केस में Cl2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। Cl2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। थोड़ा सा डाटा हम चेंज करेंगे, डाउट है जल्दी, लिमिटिंग वाले पार्ट में डाउट है नहीं। देखो हम क्या बोले, N2 + 3H2 गिव्स अस 2 अमोनिया, गिव्स अस 2 अमोनिया। सपोज हम क्या बोले, इसका 10 है इसका 5 है, इसका 10 लीटर इसका 5 लीटर, हमको डिसाइड करना है लिमिटिंग कौन है, हमको डिसाइड करना कौन लिमिटिंग कौन है। यहां पे हम क्या बोले, ये लिमिटिंग था, ये क्या था लिमिटिंग था। अब देखो हम फिर से वही है ना, अप्रोच वही होगा, देखो अप्रोच वही होगा, हम क्या बोलेंगे 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ये लिखोगे ना, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन ये लिखोगे, बिकॉज ऑफ कॉफिशेंट, इसका 1 यहाँ कितना है 3, तो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्ट विथ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखना जब 1 3 के साथ कर रहा है, डाटा गिवन कितना है, गिवन कितना है 10, गिवन कितना है 10, तो 10 कितने साथ करेगा 30 के साथ, कितना करेगा 30 के साथ, कितने के साथ करेगा 30 के साथ। अब देखना मतलब इसका 1 लीटर इसके 3 के साथ कर सकता है, तो इसका 10 कितने के साथ करेगा 30 के साथ, कितने के साथ करेगा 30 के साथ। बट यहां पे देखो गिवन कितना है, गिवन कितना है 5। अब देखो जब जब नाइट्रोजन के 10 लीटर के साथ हाइड्रोजन का 30 लीटर रिएक्ट कर सकता है, तो यहां जो गिवन है 5 लीटर वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर गया होगा, वो क्या क्या होगा ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर गया होगा। इट मींस इस वाले डाटा में, इस वाले डाटा में H2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, H2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, H2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम और भी करेंगे, तो आपको यहां तक लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, जो कॉफिशेंट है उसे कंपेयर करो, तो जो गिवन डाटा है उसको लेके जाओ। अब अगर चेक कर लो कि जो डाटा रिक्वायर्ड है और जो डाटा गिवन है उसको कंपेयर करो। देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड कितना, हम क्या बोले यहाँ पे 2 रिएक्ट करता, बट दिया कितना हुआ 5, इट मींस एक्सेस हो गया था। यहाँ क्या बोले 30 रिएक्ट कर सकता था, बट दिया कितना हुआ 5, इट मींस जब 30 रिएक्ट कर सकता है तो 5 ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर गया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था वो था लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेशन का, वो क्या था लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेशन का। तो आप लोग जल्दी से लिमिटिंग रिएजेंट का डाटा जल्दी नोट करो। ओके ओके देखो ये क्वेश्चन हम फिर हम लोग लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको इजिली हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोले है ना, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 लीटर ऑफ Cl2, 1 लीटर ऑफ Cl2, देन 6 कितने साथ किया, 6 के साथ किया, कितने के साथ किया 6 के साथ किया, गिवन कितना 5.6, इट मींस जब 5.6 रिएक्ट कर सकता है तो 5.6 ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर गया होगा। इट मींस Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, Cl2 इज
लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखना, जब Cl2 एक लिमिटिंग रिएजेंट है, इट मीन्स इस रिएक्शन में Cl2 कंप्लीटली खत्म हो गया होगा। Cl2 क्या हो गया होगा? कंप्लीटली खत्म हो गया होगा। यदि Cl2 कंप्लीटली खत्म हो गया होगा तो रिएक्शन में बचा क्या होगा? रिएक्शन में क्या बचा होगा? H2 बचा होगा। अब देखना, रिमेनिंग H2 निकालो पहले। रिमेनिंग H2 देखो, इसका वन इसके वन के साथ क्या देखोगे ना, वन लीटर ऑफ Cl2 रिएक्ट विथ वन लीटर ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हो। 1 liter ऑफ Cl2 रिएक्ट विथ 1 liter ऑफ हाइड्रोजन, तो देन 5.6 कितने के साथ करेगा? 5.6 के साथ करेगा। अब देखना, इट मीन्स इसके 5.6 के साथ हाइड्रोजन का 5.6 लीटर रिएक्ट करेगा, बट गिवन कितना है? 6 गिवन कितना है? 6। इट मीन्स 5.6 ही रिएक्ट किया होगा, तो रिमेनिंग कितना होगा? देखो तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा? 6 माइनस 5.6 दैट इज 0.4, दैट इज 0.4 लीटर। इट मीन्स जब रिएक्शन खत्म हो गया होगा ना, जब रिएक्शन खत्म हो गया होगा तो 5.6 लीटर हाइड्रोजन क्या होगा? रिमेनिंग होगा। 5.6 लीटर क्या होगा? हाइड्रोजन रिमेनिंग होगा। मेरे पास बच गया क्या? कितना Cl2, HCl कितना फॉर्म हुआ होगा? HCl कितना बोला ना कि फाइनल कंपोजिशन, फाइनल कंपोजिशन, तो फाइनल कंपोजिशन में Cl2 कितना होगा? 0, क्योंकि Cl2 पूरा का पूरा क्या होगा? खत्म हो गया। Cl2 पूरा का पूरा क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब लोग हम क्या बोले, H2 क्या है? एक्सेस में है, तो H2 का 0.4 लीटर क्या है? बचा हुआ है। 0.4 लीटर क्या है? बचा हुआ है। हमको फॉर्म पता क्या करना है कि HCl कितना फॉर्म हुआ, HCl कितना फॉर्म हुआ बोलोगे ना, इसके वन के साथ कितना किया? 2, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्या बोलोगे, इसके वन के साथ कितना किया? 2 बोलोगे ना, वन लीटर ऑफ Cl2 फॉर्म 2 liter ऑफ HCl, 2 liter ऑफ HCl, ये बोलोगे ना, 1 liter ऑफ Cl2 फॉर्म 2 liter ऑफ HCl, देन 5.6 क्या करेगा? 2 into 5.6 दैट इज 11.2 liter, दैट इज 11.2 liter ऑफ Cl2 क्या, सॉरी HCl क्या होगा? 11.2 liter ऑफ HCl क्या होगा? HCl क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा, सॉरी HCl क्या होगा? फॉर्म होगा। इट मीन्स इस रिएक्शन में है ना, पहले हम क्या किए, Cl2 निकाले लिमिटिंग रिएजेंट, देन हम क्या किए कि H2 कितना रिमेनिंग है, 0.4 लीटर के H2 रिमेनिंग है, देन क्या निकाले हम कितना HCl फॉर्म हुआ होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग, देन आप इसको निकालो या इसको निकालो, डजंट मैटर, तो इसको निकाले, फिर क्या किए, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व हो गया। जल्दी से आप इसको नोट कर लो। तो वो नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ देखो, आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया होगा एवोगैड्रो लॉ, बस सिंपल सा स्टेटमेंट है, लिखो एक बार, लिखना अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या लिखोगे? अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो यदि वॉल्यूम है ना, इक्वल वॉल्यूम, देखो यदि हम जो था ना गेलुसेक लॉ, उसी का थोड़ा सा हम एडवांस वर्जन देखेंगे। देखो है ना, एवोगैड्रो लॉ क्या बोला कि H2+O2 गिव्स अस H2O, बैलेंस के थे ना, टू आए थे, अभी क्या था, टू आया था, यही था ना, तो बोलते थे ना कि इसका टू वॉल्यूम इसके वन वॉल्यूम के साथ किया, इसका क्या किया, टू वॉल्यूम फॉर्म किया। और इसका भी जो स्टडी था ना, वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर था। और जो एवोगैड्रो लॉ का भी स्टडी है ना, वो भी क्या, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ही है। तो हम क्या बोल, इसका वन वॉल्यूम, टू वॉल्यूम इसके वन के साथ, इसका टू फॉर्म किया। अब ये भी लिख सकते हो, इसका टू मॉलिक्यूल इसके वन मॉलिक्यूल के साथ करेगा, और इसका क्या करेगा, टू मॉलिक्यूल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ये एवोगैड्रो का स्टेटमेंट था, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इट मीन्स यदि हम गेलुसेक लॉ और एवोगैड्रो का स्टेटमेंट को मिक्स कर दें, तो हम क्या बोलेंगे, इसका दो वॉल्यूम इसके वन वॉल्यूम के साथ, इसका दो वॉल्यूम फॉर्म किया। तो यदि हम एवोगैड्रो का स्टेटमेंट लेके आए, क्या बोलेंगे, इसका दो मॉलिक्यूल इसके वन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका टू मॉलिक्यूल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो ये एवोगैड्रो का स्टेटमेंट था। देखो
अबे गेट्रो स्टेटमेंट में ना गैस के नेचर से कोई मतलब नहीं। सपोज हम क्या बोले, हम सपोज क्या बोले, मेरे पास O2 है, मेरे पास N2 है, मेरे पास अमोनिया गैस है, मेरे पास सॉरी अमोनिया गैस है, मेरे पास CO2 गैस है, मेरे पास ओजोन है। यदि हम क्या बोले, यदि हम क्या बोले, इसका भी मेरे पास 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर है, इसका भी 1, इसका भी, इसका भी 1। यदि वॉल्यूम सेम है, यदि वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स का नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स यदि वॉल्यूम का नंबर सेम है, इसके पास क्या बोलता है, इसके पास एक मॉलिक्यूल यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। इट मीन्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि वॉल्यूम का, यदि वॉल्यूम सेम है, यदि वॉल्यूम क्या है सेम है, तो जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो भी क्या होगा, सेम होगा। हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं, देन आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया आएगा। ओके आप लोग जल्दी से इसको बस ना एग्जाम्पल्स में आप इस वाले पार्ट को एक बार लिख लेना एग्जाम्पल में, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है कि देखो एक क्वेश्चन है क्या, फाइव देखो कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्वेश्चन क्या है ना कि है ना 50 सेंटीमीटर क्यूब कोई गैस है, 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या बोला 50 सेंटीमीटर क्यूब कोई गैस ए है, उसका 50 सेंटीमीटर क्यूब कोई गैस ए है उसका 50 सेंटीमीटर क्यूब आपको रख रहा है ए कंटेन वाई मॉलिक्यूल कंटेन वाई मॉलिक्यूल। इट मीन्स 50 सेंटीमीटर क्यूब कोई गैस ए है उसका वाई मॉलिक्यूल लग रहा है। देन आपको बोला हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी विल बी प्रेजेंट इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। देखो अब क्या किया, यहां बोला 25 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे क्या होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब गैस कौन सा लाया, गैस बी लाया, बोला कि मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स कितना होगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। हमको पता है कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखना इट मीन्स 50 सेंटीमीटर क्यूब वाई मॉलिक्यूल रख रहा है, 50 कितना रख रहा है वाई मॉलिक्यूल, कितना रख रहा है वाई मॉलिक्यूल। अब देखना यदि 50 वाई मॉलिक्यूल रख रहा है, 50 कितना रख रहा है वाई मॉलिक्यूल, तो इसका भी 50 कितना रखता है वाई रखता, कितना रखता वाई रखता है ना अंडर, यदि इक्वल वॉल्यूम कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यदि इसका 50 वाई मॉलिक्यूल रख रहा है तो इसका भी 50 कितना रखता वाई मॉलिक्यूल, बट इसका कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ 25। जब 50 वाई मॉलिक्यूल रखता इट मीन्स बोल सकते हो ना कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी कंटेन वाई मॉलिक्यूल, तो 1 कितना रखेगा वाई बाय कितना 50, तो 25 कितना रखेगा वाई बाय 50 इंटू कितना 25, दैट इज वाई बाय 2 मॉलिक्यूल, कितना रखेगा वाई बाय 2 मॉलिक्यूल। देखो सिंपल सा एवोगैड्रो का स्टेटमेंट है कि इक्वल वॉल्यूम कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतना मेरे पास 25 था बट हम 50 के साथ पहले कंपेयर किए, जब 50 के साथ कंपेयर किए तो 50 कितना रखेगा वाई, देन 25 कितना रखेगा वाई बाय 2 मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, आपको बिना किसी प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, देन आपका एवोगैड्रो का स्टेटमेंट के बाद कंप्लीटली आपका क्लियर हो जाएगा। ओके आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करो। दो फिर से वही क्वेश्चन है, यानी ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कंटेन वाई मॉलिक्यूल, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कंटेन वाई मॉलिक्यूल, देन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन कंटेन हाउ मच मॉलिक्यूल, देन 50 सेंटीमीटर ऑफ नाइट्रोजन कंटेन हाउ मच मॉलिक्यूल। देखो फिर से वही अंडर आइडेंटिकल कंडीशन फिर से वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि जब 50 वाई मॉलिक्यूल रख रहा है, सॉरी 100 सेंटीमीटर क्यूब जब वाई मॉलिक्यूल रख रहा है तो इसका भी 100 कितना रखता वाई मॉलिक्यूल, कितना रखता वाई मॉलिक्यूल, बट दिया कितना हुआ 50, तो ही बोलेंगे ना कि इसका भी 100 होता 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन कंटेन वाई मॉलिक्यूल, बिकॉज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इक्वल वॉल्यूम कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1 कितना रखेगा वाई बाय 100, कितना रखेगा वाई बाय 100, तो 50 कितना रखेगा वाई बाय 100 इंटू कितना
ओके, तो यदि आप लोग इस पार्ट को जितना भी हम क्वेश्चंस किए उसको अच्छे से करो, देन हम लोग इस वाले पार्ट पे एक असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे, तो आई थिंक गैस लॉ यहाँ तक खत्म हो जाएगा। बट यदि किसी को प्रॉब्लम होगा, यदि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग एक वीडियो और इस पर क्वेश्चंस का सिर्फ डालेंगे। यदि आप लोगों का डिमांड होगा कि यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो इस पर है ना 5-6 क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे, और है ना उसका जो वीडियो है आई थिंक यदि है ना नेक्स्ट इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे। सॉरी, यदि आप लोग है ना जो भी क्लास, जब हम लोग क्लास अटेंड करेंगे, क्लास के बाद यदि आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा होगा, देन आप हमको इन्फॉर्म करो, हम क्या करेंगे 5-6 क्वेश्चंस और भी आपको सॉल्व करके है ना आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो भी आपको दिक्कत आ रहा होगा वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस असाइनमेंट, जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, आई थिंक उसका एक डेडलाइन होगा कि आपको 4 या 5 दिन में या नेक्स्ट क्लास के पहले आपको असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जो आपका प्रीवियस असाइनमेंट भी आपके पास पड़ा हुआ है मूल कॉन्सेप्ट वाला, और एक असाइनमेंट इसके पार्ट है ना, इस बेसिस पे आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, तो आपका आई थिंक आपको 2 असाइनमेंट मिल जाएगा। हमको नेक्स्ट क्लास के पहले इन असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन चाहिए हर हाल में। ओके, थैंक यू।